पर्यटन की दृष्टि से विश्व मानचित्र में जोधपुर अपना एक अलग ही स्थान रखता है। यहाँ पर साफ सफाई के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिससे अब शहर की हेरिटेज क्षेत्र में सफाई के दौरान पारंपरिक तरीके को छोड़कर अब आधुनिक मशीन का प्रयोग किया जाएगा। स्वदेश निर्मित अत्याधुनिक मशीन के उपयोग से सफाई की जाएगी, जहां प्रदेश में जयपुर के बाद जोधपुर में इस मशीन के जरिए शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के उद्देश्य से विशेष अभियान भी चलाए जाएंगे। ये मशीन पूरी तरह से स्वदेशी है, जो पर्यावरण फ्रेंडली होने के साथ साथ इसमें हाई पावर वैक्यूम सिस्टम और GPS सिस्टम भी इनबिल्ट है। ये मशीन ध्वनि प्रदूषण भी नहीं फैलाएगी और प्रतिदिन 5 से 8 बार डंप करने की भी क्षमता रखती है, जहां इसमें 200 से 240 लीटर ठोस कचरे को संग्रहण करने की भी क्षमता है। अभी हम जो हमारी स्वच्छता रैंकिंग है वो थोड़ी सी कहीं कमी हुई है, उसको हम अच्छा करने के लिए एक हमने कॉबलर मशीन जो स्वदेशी निर्मित है उसको अभी हमने प्रायोगिक तौर पे प्लस हमने शहर को सुंदर बनाने के लिए खरीदा है, जिसका हम सोमवार से उसका शहर के घंटाघर एरिए जो हमारा हेरिटेज एरिया है उसको स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए वो मशीन काम करेगी। दूसरा हमारा आखली चौराहे से कायलाना होते हुए राजाराम सर्किल तक जो शहर की मुख्य सड़क है जो काफ़ी गंदी रहती है उसको हम उस मशीन को यूज़ करके और उसको हम साफ़ सुथरा बनाएंगे उस शहर को। इसमें खास बात यह है कि ये जो मशीन है ये इन्वायरमेंटल फ्री है, यानी कि वातावरण का बिल्कुल इसमें नहीं है। बैटरी से चलती है, 8 घंटे वर्किंग करती है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 240 लीटर है। तो ये 240 लीटर का मतलब ये कि ये हमारी 2 घंटे में हमारा ट्रिप करेगी और उस पॉइंट पे ले जाएगी जहां हमारा कचरा इकट्ठा होता है और ये उसको सक करेगी। ये मशीन जैसे शहर का जो जिसमें नारियल वगैरह जो बड़ी चीज़ होती है जो हम उठा नहीं सकते हैं या उसको पिक नहीं कर सकते हैं तो इस मशीन के द्वारा हम पिक करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ भी कोई क्राउडेड एरिया है जहाँ जनसंख्या ज़्यादा रहती है वहाँ लोगों में जहाँ आवाज़ गुनी हुई है वहाँ से भी ये कचरा उठाएगी, क्योंकि ये एनवायरमेंटल फ्री होने से इसकी आवाज़ नहीं होने से उन लोगों में किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बाकी तो हम नॉर्मल में सफाई करते हैं, कोई भी मशीन ले जाते हैं तो लोगों को थोड़ा सा उनको अटपटा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। जैसे ही हमारी मशीन चलती है तो लोग वहाँ से हट जाते हैं, पर ये मशीन उनको बिना किसी हिचकिचाहट बिना किसी दुविधा के ये वहाँ से कचरा उठाएगी और बिल्कुल शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हमारा पूरा हमारा नगर निगम इसके लिए प्रतिबद्ध है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर बने और हमारी रैंकिंग में सुधार आए।